हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे पार्ट थ्री, जम्मू कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। प्यारे बच्चों, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में इस तरीके के आपको स्क्रीन के ऊपर आइकन मिलेंगे, उन पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, पार्ट वन और पार्ट टू का जो है वीडियो देख सकते हो। चलते हैं, देखते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या कवर करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने कवर किया था लैंड रिफॉर्म्स को और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को। आज हम कवर करेंगे एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेडअप को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कश्मीर चलो कैंपेन्स। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग एंटायर विलेज लाइफ इनटू इट्स फोल्ड, कि जितनी भी ग्रामीण लाइफ है, जिंदगी है, उसे हम क्या करेंगे, सारे को अपने फोल्ड के अंदर लाएंगे। मींस हमें क्या करना है, उसका थोड़ा हेल्प करना है विलेज लाइफ का, उसको उसमें सुधार करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टैकल करना होगा डेप्थ इशू से। मींस जो किसान लोग हैं कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं उनको क्रॉप्स के लिए, ताकि वो फसलों में जब उनको थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी तो उससे वो क्या कर सकते हैं, अपने बीज वगैरह खरीद सकते हैं, अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं, वहाँ से उनकी हेल्प हो सकती है। साथ ही हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे लैंड, ताकि वो क्या कर सकें, उसके ऊपर कल्टिवेशन कर सकें। लेकिन ये जो लैंड होगी उनको लीज़ के ऊपर मिलेगी, लीज़ मीन एक किस्म का रेंट के ऊपर मिलेगी, और साथ ही उनको एनकरेज करेंगे ताकि वो रीपेमेंट कर सकें इन टाइम। लेकिन ये जो कॉपरेटिव्स थी, ये बहुत ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई रिवाइव करने में हमारी इकोनॉमी को, स्टेट की इकोनॉमी को ये ज़्यादा रिवाइव करने में हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। उसकी वजह रही दो चीज़ें, एक मिसमैनेजमेंट और दूसरा मल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और जो था हमारा मैनेजमेंट, वो सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये कॉपरेटिव जो थी हमें इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने में हमारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई। अब क्या था, स्टेट के सामने एक चैलेंज था कि अगर हमें अपनी आर्थिक जो है स्थिति है उसे सुधारना है, तो हमें अपनी स्टेट के लिए एक पॉलिसी बनानी होगी, जिसको हमने कहा स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी, स्टेट को बनाने के लिए पॉलिसी। अब जो शेख अब्दुल्ला उस समय जो हेड थे, उन वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, ऑटोनॉमस हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इसलिए उन्होंने भारत की सरकार से जो थे फंड्स एक्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं किए, कभी कभार ही उन्होंने कोई उनसे जो है फंड्स एक्सेप्ट किए होंगे। अब जब बख्शी गुलाम मोहम्मद का टाइम आता है 1953 से 1963, इनके जो थी सोच वो शेख अब्दुल्ला से थोड़ी अलग थी, इनके अपने व्यूज़ थे। इनका ये मानना था कि अगर हमें जितने भी एम्स हैं हमारे नया कश्मीर मैनिफेस्टो के, अगर उनको प्रमोट करना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, किसके साथ, इंडिया के साथ। क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक एकीकरण नहीं होगा भारत के साथ, हम इस लक्ष्य को नहीं पा सकते कि हमारे नया कश्मीर मैनिफेस्टो के जितने भी उद्देश्य हैं हम उसको पूरा कर सकें। इसलिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंशियल एड ली, यानी कि आर्थिक सहायता ली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया, ताकि जम्मू कश्मीर स्टेट क्या कर सके, अपनी स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। अब जो था बख्शी गुलाम मोहम्मद के सामने, ये एक टारगेट था, एक इशू था कि हमें क्या करना है, बेटरमेंट करनी है इकोनॉमिक कंडीशन पीजेंट्स की, वर्कर्स की और आर्टिशंस की। और इसके लिए ये था कि जो भी पॉलिसीज शेख अब्दुल्ला के टाइम पर स्टार्ट हुई हैं उनको पूरा कर सकें। तो ऐसा उन्होंने किया, वो उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट पॉलिसीज थी जो कि शेख अब्दुल्ला के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, उन सबको फुलफिल किया। अब
इन सब प्रयासों से जो स्टेट थी वो एक नई एज में एंटर कर गई, और ये एज जो थी वो थी लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन की। अब ये मॉडर्नाइजेशन जो थी वो इंक्लूड हुई किस में जो थी मॉडर्नाइजेशन हुई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई, टूरिज्म बढ़ा, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। साथ ही जो हमारी एग्रीकल्चर थी स्टेट की उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आना स्टार्ट हो गई। अब एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन कैसे आई, क्योंकि जो लिफ्ट इरिगेशन था वो एक मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक थी, ये भी यहाँ पे स्टेट में इसकी भी इंट्रोडक्शन हो गई, मींस कि इसका भी चलन आरंभ हो गया। लिफ्ट इरिगेशन से अब हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकते थे। अब लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, कहीं एक जगह पर वाटर स्टोर है, पानी को एक जगह इकट्ठा किया है, अब इसको यहाँ पानी को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर लिफ्ट करना, ठीक है, उसे बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। अब यह किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि पंप लगाकर हम क्या करेंगे, ये स्टोर वाटर जो भी है इसको इस पंप की हेल्प से आगे हम क्या कर सकें, खेतों में पहुँचा सकें, इसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो नई नई टेक्निक्स आना स्टार्ट हुई इरिगेशन की, इसकी हेल्प से हमारी एग्रीकल्चर में जो थी मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट हो गई। साथ ही नए नए प्रकार के फर्टिलाइजर्स जो थे वो लॉन्च कर दिए गए, और ख़ास करके चाइना पैडी को जो था वो पॉपुलराइज किया गया। अब चाइना पैडी का ये था कि उसकी जो थी पैदावार काफ़ी होती थी, यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जब पैदावार ज़्यादा होगी तो नेचुरली सी बात है, जब किसानों के पास फसल ज़्यादा होगी वो उसको बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और वो अपने डेब्ट से जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन हुई स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी के साथ हमारी स्टेट एग्रीकल्चर की। इन सब के होते हुए दो चीज़ें जो थी, दो प्रोग्राम और थे जो कि प्रोडक्शन प्रोग्राम जिनको माना जाता है, वो शुरू किए गए बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे। इन प्रोग्राम्स के नाम थे CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरे का नाम था IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनको ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, 10th के सिलेबस में सिर्फ आपके नाम ही दिए गए हैं इनके, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको इसकी ज़रूरत हुई, आप जानना चाहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इन दोनों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि रोड्स एंड बिल्डिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग रिसीव्ड ह्यूज इम्पेटस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो रोड्स एंड बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट जो हुई वो भी किनके टाइम पे हुई, बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पर। स्कूल की बिल्डिंग और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो बनाई गई, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स थी वो भी होना स्टार्ट हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट था बनिहाल टनल। बनिहाल टनल जो था इसकी कंस्ट्रक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, और इसकी कंस्ट्रक्शन बनिहाल टनल को जो था वो डिज़ाइन किया गया था जर्मन इंजीनियर्स के द्वारा, और उस समय का इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है जिस टाइम पे ये बनिहाल टनल बना था। बनिहाल टनल को हम जवाहर टनल के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा है, ठीक है बच्चों। तो इसको बनिहाल टनल को हम जवाहर टनल भी कहते हैं, और हम इसको बनिहाल पास भी कहते हैं, बनिहाल पास, ठीक है बच्चों। तो जो बनिहाल टनल था उसको बनिहाल पास भी कह सकते हैं, और पॉपुलरली जो है इसको हम जवाहर टनल कहते हैं, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा हुआ है। अब इस टनल की एक खासियत और थी कि इसमें ट्रैफिक जो थी वो दोनों तरफ से आ जा सकती थी, यानी कि अगर हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं तब भी हम जा सकते हैं, और अगर कश्मीर से हम जम्मू की तरफ आ रहे हैं तो तब भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से इसका रास्ता चलता था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ट्रेड में, व्यापार में जो कश्मीर था वो पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गया, यानी कि भारत के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर अब व्यापार
कर सकता था। हमारी जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, अब वो आसानी से जो है पूरे भारत में जो था अपना व्यापार कर सकती थी। अब गांव और शहर की दूरी मिटाने के लिए, रूरल एंड अर्बन डिवाइड को ख़त्म करने के लिए, उसको ब्रिज अप करने के लिए सिटी बस सर्विस जो थी वो स्टार्ट की गई। सिटी बस सर्विस जो थी वो स्टार्ट की गई ताकि जो दूर दराज के टाउन्स हैं, जब विलेज हैं यानी कस्बे हैं या गांव हैं, उनको शहरों के साथ मिलाया जा सके। और ये सिटी बस सर्विस जो थी ये भी बख्शी गुलाम मोहम्मद जी की गवर्नमेंट के समय स्टार्ट की गई। गांव की इलेक्ट्रिफिकेशन की गई, मींस घर घर बिजली पहुंचाने का काम चला, और साथ ही एंटी फ्लड मेजर्स कि किस तरीके से हम बाढ़ आदि से बचाव कर सकते हैं, ऐसे स्टेप्स भी उठाए गए। इन सब डेवलपमेंट्स ने क्या किया, हमारे टूरिज्म को बूस्ट किया और साथ ही फ्रूट इंडस्ट्री को भी बूस्ट किया। इन सब से हमें जो है फ़ायदा मिलना स्टार्ट हुआ। इन सब के चलते हुए जो कि इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ तो हुई हुई, हमारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुए, लेकिन ये रोड कनेक्टिविटी थी इसने इंक्रीज़ किया कल्चरल इंट्रैक्शन विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट। यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी स्टेट के बीच में ही जो कल्चरल इंट्रैक्शंस थे वो बढ़ने लगे, और स्टेट से बाहर भी हमारे जो कल्चरल इंट्रैक्शन थे वो बढ़ने लगे। यानी कि हम लोगों के कल्चर को सीखने लगे, समझने लगे, और हमारे कल्चर को बाकी भारत के हिस्से भी समझने लगे। आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्प्रेड अप को, यानी कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को किस तरीके से रफ्तार मिली। 1947 से पहले जो कश्मीर में कुछ लोग थे जो हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट को लेकर काम करते थे, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, रेयर ही इंडस्ट्रीज़ थी, और वो भी जो लोग काम करते थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए काम करते थे। लेकिन 1947 के बाद जो थी गवर्नमेंट ने प्रमोट करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसके लिए इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए गांधीनगर जम्मू में, वारजुला श्रीनगर और अनंतनाग में, जिनकी टोटल कैपिटल आउटले था 5.26 मिलियन। बहुत सारी नई इंडस्ट्री जो थी वो एस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असिस्टेंस से, जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर थी और मॉनेटरी को लेकर थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नई प्रेरणा तब मिली जब बहुत सारे आर्टिशंस की और क्राफ्टमैन्स की ट्रेनिंग की गई, जो कि शॉल मेकिंग में थे, जहाँ कालीन की बुनाई करते थे यानी कि कारपेट मेकिंग करते थे, जहाँ लकड़ी की नक्काशी करते थे और पेपर मैशी में काम करते थे, और साथ में जो कि चांदी के बर्तन वगैरह बनाते थे, सिल्वर वेयर का काम करते थे। अब पेपर मैशी जो है ये, इसको हम आगे देखेंगे, एक नया वर्ड है, इसको आगे देखते हैं लास्ट में। अब सिल्क एंड बुलन फैक्ट्रीज जो थी उनको भी मॉडर्नाइज किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेट का पहला जो था इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन वो हुआ था 1955 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ऑफ द स्टेट हेल्ड इन 1955। अब इस एग्जीबिशन से क्या फ़ायदा हुआ कि इस एग्जीबिशन ने जितने भी रास्ते थे कश्मीरी गुड्स के वो खोल दिए आउटसाइड द रीजन की मार्केट में। यानी कि जो पहले चीज़ें कश्मीर में बनने वाली फेमस जो भी चीज़ें थी, जो पहले सिर्फ कश्मीर में ही बिका करती थी, अब इस एग्जीबिशन की लगने से ये पूरे रीजन से बाहर जाना स्टार्ट हो गई, फेमस हो गई, और पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में इसका नाम हो गया। ऑल दीज एडवांसमेंट्स आल्सो प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्टेट। अब जितनी भी ये एडवांसमेंट्स हुई, ये सारी की सारी एक किस्म का हमारे लिए वरदान मान लो साबित हुई, क्योंकि इससे जो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेट में बढ़ने लगा। ठीक है, जब रोज़गार बढ़ेगा तो अपने आप जो थी इकोनॉमी जो थी वो बूस्ट करना स्टार्ट करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब लास्ट का जो रहा हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कश्मीर चलो कैंपेन, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक नया वर्ड हमने आज देखा वो था पेपर मैशी। तो ये क्या है, एक किस्म का क्राफ्ट है, एक कला है, जो कि वेस्ट पेपर को एक ब्यूटीफुल आर्टिकल में
बनाया जाता है। मान लो आपके पास कोई पेपर पड़ा हुआ है जो कि वेस्ट है, अब उसका कोई आर्टिकल बनाना, कोई चीज़ बनाना काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये जो है कला जो है वो पॉपुलरली कहाँ पे है, कश्मीर में। कश्मीर में ऐसा काम किया जाता है, उसको बोलते हैं पेपर मैशी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मैच दिया था कि इसको करना, तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। लेकिन आप लोगों ने जो है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, अगर आता है आपको तो उसको लिखकर कमेंट में डाल देना है। नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उसमें अगर आप सर्च करोगे एंड एजुकेट, तो वहाँ पे भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब ये सबसे पहले हम देखेंगे नया कश्मीर मैनिफेस्टो। तो नया कश्मीर मैनिफेस्टो के साथ जुड़ेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कश्मीर। उसके बाद मुकर्रर जो थे वो एक किस्म की कस्टोडियन ग्रांट हुआ करती थी, यानी कि एक फिक्स ग्रांट हुआ करती थी। जागीर जो थे वो थे लैंड ग्रांट इन लियू ऑफ सर्विसेज। और सबसे लास्ट में था बिग लैंडेड एस्टेट्स वायलेशन एक्ट, तो वो था हमारा मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंस राइट। आज के जो घर का आपको जो काम है वो ये है कि आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।